शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय शिव, जय शिव। यह है प्रतापगढ़ का गेट। यहाँ से प्रतापगढ़ कुछ ही दूरी में है। मेरा सफ़र शुरू हुआ था पुणे से महाबलेश्वर। मैं महाबलेश्वर से अभी प्रतापगढ़ आया हूँ। प्रतापगढ़ एक प्राइवेट फोर्ट है अभी। बाकी जितने भी फोर्ट है वो सब अंडर गवर्नमेंट के अंदर है। आगे मैं आपको बहुत सारे हिस्ट्री भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो आगे देखने से पहले, अगर चैनल में आप नए हैं, थोड़ा प्यार और सपोर्ट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं मेरे चैनल में लाते रहता हूँ। और अगर महाबलेश्वर का वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल में आप जाके महाबलेश्वर का वीडियो भी देख सकते हैं। ओके गाइस, राइट नाउ वी आर इन प्रतापगढ़। सो देखो, मेरे पीछे अभी एक किला है। गाड़ी यहाँ पे पार्क करना पड़ता है थोड़ा नीचे, देन हम अभी ऊपर जाने वाले हैं। तो चलो ऊपर जाते हैं और देखते हैं वहाँ का व्यू कैसा है। फोर्ट के ऊपर आने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। पंचगनी और महाबलेश्वर के जो रास्ते हैं उसमें ही आपको रोड टैक्स वगैरह देने पड़ते हैं। फोर्ट के ऊपर ये जो दीवार है पूरे 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फोर्ट का जो हाइट है 3,500 फीट हाइट है इसका। शिवाजी महाराज का ये प्रतापगढ़ किला बहुत ही फेमस है। अगर इसका हिस्ट्री में बोलने जाऊँ तो 400 साल पहले प्रतापगढ़ को मराठा लोगों ने बनाया था, और उस समय आदिल शाह का यहाँ तक हुकूमत चलती थी। आदिल शाह ने शिवाजी महाराज के ऊपर इनाम रखा था। इनाम के लालच में अफजल खान ने शिवाजी महाराज को धोखे से मीटिंग के लिए बुलाया और शिवाजी महाराज के ऊपर अटैक किया। पहले से शिवाजी महाराज लोहे का जैकेट पहने थे तो उनको कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने जो उनका बागनक जो हथियार था उससे अफजल खान का पेट फाड़ दिया और अफजल खान को वहीं पे मौत हो गई। उसके बाद उनको विक्ट्री मिली, तो विक्ट्री को मराठा लोग प्रताप बोलते हैं, तो उसी नाम पर इस फोर्ट का नाम प्रतापगढ़ रखा गया है। ये फोर्ट इतने हाइट में होने के बावजूद इसमें पानी 12 महीने रहता है। पहले यहाँ पे पानी पीने के लिए यूज़ करते थे। फोर्ट बनाने के लिए यहाँ से पत्थर निकाले थे, तो यहाँ पे पानी का स्टोरेज बन गया और ये पानी उनको पीने के लिए यूज़ हो रहा था। Thank you.
प्रतापगढ़ फोर्ट के ऊपर भवानी माता के मंदिर है और इसके अंदर एक तलवार रखा गया है जो कि 600 लोगों को मारा हुआ था। यहाँ पे एक पुराने किलेदार हैं, उनसे थोड़ा हिस्ट्री मालूम करते हैं। दर्शन केलं की तुळजाभवानी महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी शिवाजी महाराज तुळजापूरला जात होते। तुळजाभवानी सांगितलं तुला दर्शन मिळत नाही, महाबळेश्वरला सात बहिणी आठव्या अवतारात तुला मी प्रसन्न होईन। ढोरपे डोंगर म्हणून आता नाव आहे ढोरपे डोंगर, अफजल खानला मारून विजयी झाला, प्रताप झाला, मग तुम्ही प्रतापगडावर आलात। हा किल्ला उदय राजे भोसले, आतमध्ये एक तलवार आहे, तलवार आहे ते हंबीरराव मोहिते अफजल खानच्या विरुद्धात 600 लोक मारलेली तलवार, एक तलवार उदयनराजाकडे, एक तलवार इंग्लंड महाराजांनी 360 किल्ले जिंकले, दोनच किल्ले बांधले ते एक प्रतापगड सिंधू। 16 वर्षी पहिली शपथ घेतली रोहरेश्वराची, पहिला किल्ला घेतला तोरणा, गड आला पण शिंह गेला म्हणून तानाजी मालूस रे 80 वर्षाचा म्हातारा, आधी लग्न कोंढाण्याचे मग रायबाचं म्हणून धन्य शिवाजी धन्यजी तानाजी प्रेमी आजी शिवगडाचा पोवळ करून धडाडी उडी घातली। आईच्या दरबारात तुम्ही आलात, आईचा आशीर्वाद असा आहे दीर्घ आयुष्य अखंड सौभाग्यवती, पुत्राने लढवलं आईने घडवलं, दगडांचं नाव आहे बंबाजी नाईक पांचरे, हा दगड नेपाळमधून आणून राजगडवरती घडवला, अफजल खानच्या पिढीला देवगुडा संसार झाला, ती तलवार आतमध्ये आंबीरराव मोहितेंनी 600 लोक मारलेली महाराजाला तलवार हातात दिली म्हणजे साक्षात्कार त्या तलवारीत, ती उदयनराजाकडे एक तलवार इंग्लंडला, अशा तऱ्हेने महाराष्ट्रातला मी किल्लेदार आहे। जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र। इस जगह के बारे में पूरा हिस्ट्री जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और यह है एक शॉप अंदर है जिसमें कि हैंडमेड प्रोडक्ट ज़्यादा रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक पेंटिंग है जो कि 50,000 का है। शॉप के अंदर बहुत टाइप के आपको डिज़ाइन के आइटम्स मिलते हैं, इसमें से ये जो है ये पूरा नारियल में बना हुआ है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है देखने के लिए। उस ज़माने में कोई गलत काम या फिर धोखाधड़ी करते थे तो यहाँ पे उनको बोरी में बांध के फेंक देते थे, तो इसका नाम इसलिए सुसाइड पॉइंट रखा गया है। बीच में ये शिवाजी महाराज का स्टैचू है और यहाँ पे गार्डन की तरह अच्छा बनाया हुआ है बैठने के लिए। और शिवाजी महाराज का ये जो स्टैचू है ये गन मेटल से बनाया हुआ है, तो ये बारिश या धूप में कुछ इसका असर नहीं होता है और जैसा के वैसा रहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय जिताऊ, जय जिताऊ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, तो वीडियो को लाइक करो। अगर चैनल में मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल में देखने के लिए मिलेंगे। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।